ललितपुर के थाना बार क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे 3 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। वहीं ललितपुर एसपी ने तत्परता दिखाते हुए इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान जी, आज ये दौरान में जो एक नाबालिग लड़की का मामला आया, क्या है सर, क्या कार्रवाई? ये ग्राम देवरान है, थाना बार अंतर्गत। इसमें एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उसकी बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति लेके गया है। इस मुकदमे के आधार इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 237/19 अंडर सेक्शन 363 एंड 366 आईपीसी। आज ये लड़की जो गई हुई थी, उसकी बहन, वो आज मेरे सामने पेश हुई और उसने अलग प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने गांव के और पड़ोसी गांव के जो उसके जानकार लोग हैं, कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। उसके प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। फैक्ट्स के आधार पर वैधानिक कार्रवाई हम लोग शीघ्र सुनिश्चित कर रहे हैं। बच्ची हरा गई, एक महीना होगा ढूंढते ढूंढते, एक महीना 10 दिन हो गए और ढूंढते ढूंढते अचानक उस गांव में पहुंची भतीजी। कहाँ? आहार लड़वाई, वहाँ भी चंदन भी था। वो तो वो कहने लगा कि अभी गिरोह आने वाली है, तुम इसको बदल लो चीज़ बस धर के। वो वहीं छिप गया और इन्होंने को मिल गई बच्ची, ले आया यहाँ। फिर यहाँ ले आके वो बस घर यहाँ कमरवाई हुआ यहाँ आए, यहाँ से बाहर गए, बाहर कोई सुनी नहीं। पुलिस क्या बोली बाहर में? पुलिस बोली क्या, जाओ तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। क्या कहने लगी? अरे गाली देती है बाहर पुलिस। अच्छा, आपने कहा कि हमारी बच्ची का? हमने कहा हमारी भतीजी है, हम रिपोर्ट करवे आए। तो एक बार नहीं, कई 6-7 दार गए हम, तो उनने भगा दिया। अच्छा, हाँ, गाली दे करके भगाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं माँ चुदाओ, तुमने बच्ची बेच खाई और तुम यहाँ आ गए। अच्छा, तो आपकी बच्ची को किसने बेचा था? हमारी बच्ची को चंदन और बिंद्रावन बबलू। कहाँ बेचा? भूरी। कहाँ बेचा था? यहाँ से कुगा गाँव ले गए, कुगा गाँव से आहार लड़वाई बेचा है। मेरे पे बेचा आपकी बच्ची? 3 लाख में। कितने में? 3 लाख में। कैसे मिली फिर आपकी बच्ची? अरे ढूंढते अचानक पहुंच गए, वहाँ पता लगा गांव में, फिर पता चला। हाँ, फिर पता चला। ठीक, क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ? हमारे साथ कितना ज्यादा रोकी है, इसलिए हम फिर दवाई पिला के लुवा ले रहे थे। फिर मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, फिर मेरे को कपड़ा उतारे थे बबलू और चंदन और भूरी और रोशनी।